राहतगढ़ में पुरानी बन चौकी से हटाया गया अतिक्रमण। आज सागर जिले के राहतगढ़ में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई, जिसमें राहतगढ़ के झंडा चौक के पास बन चौकी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान वन अमले के साथ साथ पुलिस और नगर परिषद का अमला भी मौजूद रहा। कार्यवाही में करीब 10-12 कच्चे मकानों को वन भूमि से हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की सलाह के बाद स्वयं अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया। गौरतलब है कि वन चौकी की भूमि पर काफी समय से अतिक्रमण हो रहा था, जिसके चलते कहीं कच्चे तो कहीं पक्के अवैध मकान बना लिए गए थे। आज की इस मुहिम में सिर्फ कच्चे अतिक्रमण को हटाया गया है, बाकी रहा पक्का अतिक्रमण बाद में हटाया जाएगा। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण से मुक्त हुई जमीन को तार फेंसिंग से कवर करके उसमें पेड़ पौधे आदि लगाए जाएंगे। वन विभाग का आवासीय परिसर की भूमि थी, तो यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने अपना अतिक्रमण कर लिया था, जो आज उन लोगों को वार्निंग दी गई, तो अपनी स्वेच्छा से सबने अपना अपना सामान उठा लिया, यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है जी, और आप लोग देख भी रहे हैं। और आगे चल के इसकी सब पूरी सफाई करके बंचों की सुरक्षा की दृष्टि से पुनः यहाँ एक नई बंचों की बनाई जाएगी और चारों तरफ फेंसिंग करके और वृक्षारोपण किया जाएगा। और इसमें विशेष तौर पर पुलिस बल राहतगढ़ का श्रीमान TIG सप्रे जी और नगर पालिका द्वारा विशेष सहयोग दिया गया, जिससे यह अतिक्रमण हटाया गया और सभी लोगों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से हटाया।